हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी की जब भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, फाइनल रिजल्ट निकला, उस समय हमने एक पॉइंट उठाया था कि एसएससी कांस्टेबल जीडी जो है उसमें वेटिंग नहीं होता। उसके बाद वही पॉइंट हमारा आ गया बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक में कि वेटिंग नहीं होता। अब जब ये पॉइंट आया तो कुछ हमारे पास मैसेज आने लगे कि केंद्र सरकार की भर्तियों में किसी प्रकार का वेटिंग नहीं होता है। देखिए, एसएससी कांस्टेबल जीडी, उसके बाद में बीएस जो हेड कांस्टेबल है, और उसके बाद में सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर और सीएपीएफ सहायक कमांडेंट, ये सभी जो हमारे जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनका हिस्सा हैं। ये जो सहायक कमांडेंट है वो सबको कमांड करते हैं। डायरेक्ट एंट्री की जो भर्तियाँ होती हैं उसमें सहायक कमांडेंट ही उसमें सबसे ऊपर है। डायरेक्ट डिप्टी कमांडेंट की भी भर्तियाँ होती हैं, लेकिन वो एयर विंग में कुछ बहुत ही लिमिटेड पोस्ट है, या जो हमारे मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनकी स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की भर्तियां होती है, उनको हम छोड़ दें। तो हम बात करें कि सीएपीएफ जो है हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, वहाँ भर्तियां कहाँ से शुरू होती हैं? वहाँ पर भर्तियां शुरू होती हैं ट्रेड्समैन से। 10वीं पास एक कैंडिडेट जो है वो ट्रेडमैन में भर्ती हो सकता है। उसके बाद जो योग्यता है उसके अनुसार हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी है, सिर्फ सीआईएसएफ में। बाकी फोर्सेस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं होती है, क्योंकि जब ये 2010 में ये प्रोविज़न लाया गया था कि नए वेतन आयोग 2008 के अनुसार कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट भी कर दिया जाए जनरल ड्यूटी में, तब सीआईएसएफ इस बात पर सहमत हुई थी कि हम डायरेक्ट एंट्री की भी भर्ती करेंगे। बाकी फोर्सेज ने उस समय ये कहा था कि हम जो हमारे जो ऑलरेडी जो स्ट्रेंथ है उसमें से हम प्रमोट करके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनाएंगे। कम्युनिकेशन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते थे, लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया। बाकी फार्मा जो स्टाफ होता है उसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं, ईएसआई फार्मा होते हैं। स्टेनो जो है वो ईएसआई होते थे, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। फिर सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर और सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो है वो एसएससी के थ्रू होती है। और उसके बाद हमारे जो डायरेक्ट एंट्री के गजटेड अफसर होते हैं उनकी भर्ती होती है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, ये करता है संघ लोक सेवा आयोग। जब एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 में एक पॉइंट उठा कि वेटिंग क्यों नहीं आती है, तो हमें बहुत सारे जो उसको कहते हैं कि कमेंट्स, मैसेज, कॉल भी आते हैं। बीएसएफ आरओआरएम में भी काफ़ी कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि केंद्र सरकार की भर्तियों में वेटिंग नहीं होता है, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए आप वीडियो बनाना बंद कर दीजिए। देखिए, केंद्र सरकार की ही भर्ती ये है, और केंद्र सरकार की भर्ती नहीं, मैं आपको ये कहूँ कि ये असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती जो है वो डायरेक्ट ऑफिसर लाइन की भर्ती है। अब ऑफिसर और सिपाही या हवलदार की भर्ती में जो विसंगति है, यानी कि समानता का अधिकार तो सभी को है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो सिपाही और हवलदार की जो भर्तियाँ होती हैं उनमें क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट जो संघ लोक सेवा के माध्यम से होता है उसमें कितनी पारदर्शिता है। क्योंकि कोई भी भर्ती होती है तो उसमें पारदर्शिता होनी जरूरी है। पारदर्शिता होगी तो भर्ती का जो एक सिस्टम है उस पर कैंडिडेट के साथ साथ आम जनता का भी भरोसा बनता है। यदि उसमें पारदर्शिता नहीं है तो कहीं ना कहीं उसमें संदेह होता है, कहीं ना कहीं उसमें डाउट होता है कि ये सब क्यों नहीं किया गया, जबकि सब कुछ सार्वजनिक करने में नुकसान कैसा, परेशानी कैसी, क्या वो कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा थोड़ा ही है कि उसको इंटरनेट पर नहीं लगाया जा सकता, उसको साइट पर नहीं लगाया जा सकता। चलिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे उन साथियों के लिए जो हमें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और कमेंट करके बताते हैं कि किसी भी केंद्र सरकार की भर्ती में नंबर नहीं बताए जाते हैं। तो सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर में बताए जाते हैं, बिल्कुल कहा कि वो भर्ती तो एसएससी करती है, लेकिन वो भर्ती होके जाते कहाँ हैं? वो जाते तो उन्हीं फोर्सेस में हैं जिसमें आप हवलदार बन के जा रहे हैं, या आप कांस्टेबल बन के जा रहे हैं, या आप ट्रेड्समैन बन के जा रहे हैं। चलिए, हम यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग की साइट पर हम आ गए हैं, और संघ लोक सेवा आयोग की साइट से हम डिस्कस करेंगे कौन सी भर्ती है। ये है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2018। डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब आया था? 25/4/2018। देखिए, 25 अप्रैल 2018 को जो नोटिफिकेशन आया उससे कुछ उम्मीदें शुरू हो गई, क्योंकि तैयारी जो है सभी सीजीएल हो चाहे
हमारा हेड कांस्टेबल हो, चाहे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट हो या UPSC हो, तैयारी करने वाले जो हमारे साथी हैं वो एक ही रूम में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं और एक ही थाली में वो DBC जो होता है जिसको बोलते हैं मुखर्जी नगर और ये सब जो जो एरिया है वहाँ पर सब तैयारी चलती रहती है। और जिसको कहते हैं ना कि वहाँ का जो माहौल है वही अलग है, आप लोग खुद महसूस करें हैं वहाँ पर। 25 अप्रैल से एक उम्मीद शुरू हो गई कि अब इस बार बहुत जम के तैयारी करेंगे, दम लगा देंगे, सब कुछ ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन तो एक ही दिन का इसका होता है, वो एग्ज़ाम कब हो गया, 12/8/2018। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 1 डे इसमें लिखा है। लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट ये है, यानी ये जो भर्ती का प्रोग्राम बन गया है ये पूरा पारदर्शी है ये। डेट ऑफ अपलोड, ये डेट ऑफ अपलोड हो गया। डाउनलोड नोटिफिकेशन, डाउनलोड नोटिफिकेशन जो है ये डाउनलोड नोटिफिकेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट सारे इसके साइट के ऊपर लोड किए हुए हैं, डॉक्यूमेंट कौन से हैं और डेट ऑफ अपलोड क्या है। तो ये पारदर्शिता है, जो लोग ये कहते हैं कि आप पारदर्शिता की बात करते हो, मतलब काफ़ी क्या है कि हमारे खिलाफ पता नहीं क्यों एक रोष है। हमने एक पॉइंट उठाया कि BSF RORM, जब हमने यही पॉइंट उठाया था SSC GD में तो हमारा सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, एडवोकेट से भी हम जुड़े, देश भर के एडवोकेट से जुड़े, लेकिन ये जो BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक है ये, इसमें भी जब ये पॉइंट उठा दिया तो हमें वीडियो हटा दो, वीडियो नहीं लगना चाहिए, और अब वीडियो बना हम देखते हैं, ऐसे कमेंट्स और मैसेज आने लगे। तो देखिए ये हमारा काम है, सच्चाई सामने लाना ही हमारा काम है, पारदर्शिता क्या होती है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इम्पोर्टेंट नोटिस, इम्पोर्टेंट नोटिस जो है इसको आप देख सकते हैं, अभी भी नोटिस जो है वो साइट के ऊपर आपको मिलेगा, ये 2018 का पूरा पूरा नोटिस आपको मिलेगा उस पर, क्योंकि ये नोटिस आपको ज़रूरत होती है इसकी कि यदि ये किसी वजह से आप जाते हैं न्यायपालिका की शरण में, यदि आपको जाना होता है तो ये नोटिस ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। इसके बिना आपका न्यायपालिका में आप जो कार्रवाई शुरू करते हैं वो नहीं हो सकती। इम्पोर्टेंट नोटिस हो गया, ये फी के बारे में हो गया, ये पूरा देखिए कंप्लीट नोटिस 20/7/2018 ये नोटिस आपको दिखा देते हैं। ये भी पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, किस तरीके से क्या करना है, मोबाइल फ़ोन ये सब बैन रहेगा, सब चीज़ बताई गई है, क्योंकि भर्ती कोई भी होगी तो उसकी शर्तें तो पहले से ही तय हो गई हैं। क्वेश्चन पेपर को भी हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा दिया गया है इस पर। अब देखिए जनरल स्टडी एस से एंड कम्प्रीहेंशन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसके बारे में पूरा दिखाया गया है। आपने यदि पहले पेपर नहीं देखा है और आपको ये पेपर चाहिए तो आप साइट से लोड कर लीजिए अभी, क्योंकि आप हेड कांस्टेबल हो गए हैं, आप आगे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करेंगे तो ये आपको बहुत काम आएगा। आपको आप कुछ हमारे कांस्टेबल हैं साथी, वो भी ये सब तैयारी करते हैं और करना भी चाहिए, आप वहाँ पर फोर्स में रहते हुए आपको आगे तरक्की करने का अधिकार है। आपको निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। अब ये चार पर निबंध लिखना है, ये निबंध आप देखते हैं कितना निबंध दिया है, टोटल 6 में से 4 लिखना है। ये कितने नंबर का है, ये 80 नंबर का है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो है वो है राइट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच, ये रिपोर्ट लिखना है। इंग्लिश ये प्रीसी है, प्रीसी कंप्रीहेंशन प्रीसी, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने तो देखो ये पेपर जो है पहली बार ऐसा देखा है। साइट पे जब पारदर्शिता की बात आ गई तो पारदर्शिता किस तरीके से भर्ती में होनी चाहिए, और ये जो संघ लोक सेवा आयोग फॉलो कर रहा है ये दूसरी एजेंसी जो है वो क्यों नहीं फॉलो कर रही, क्या दूसरी एजेंसी जो है उसके ऊपर ट्रेड्समैन की भर्ती में ये प्रक्रिया फॉलो क्यों नहीं की जाती, क्या ट्रेड्समैन में कैंडिडेट्स ज़्यादा आते हैं और
एसएससी जीडी में मार्क शो किया जाता है, पूरा सार्वजनिक होता है, जो सेलेक्ट है उसका भी मार्क शो है, जो सेलेक्ट नहीं है उसका भी मार्क शो है, लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट कट ऑफ सब कुछ होता है वहाँ पे। तो कैंडिडेट जो है उसको डाउट नहीं होता, जो सेलेक्ट नहीं हुआ उसको तो ऑलरेडी परेशान है, फिर वो पता करता है, वो आरटीआई लगाता है मेरे मार्क्स कितने हैं, उसको आरटीआई में कोई जानकारी नहीं दी जाती क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को सेक्शन 24(1) में छूट दी गई है, और उस छूट में कहीं ये नहीं लिखा गया कि आप परीक्षा से संबंधित जानकारी नहीं दे सकते या आप सीमा की सुरक्षा से संबंधित जानकारी नहीं दे सकते, उसमें सभी जानकारियाँ इंक्लूड हो जाती हैं, इसलिए सेक्शन 24 जो है वो अब उसमें उसको आरोप लगाना पड़ेगा, उसको अपना जो सूचना मांगी है उसको जोड़ना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामला है, पारदर्शिता नहीं है, ये सब उसको बताना पड़ेगा। अब इतना एक कैंडिडेट को नहीं पता होता है, वो एक दो आरटीआई एप्लीकेशन लगा के छोड़ देता है, तब तक दूसरी भर्ती आ जाती है और वो दूसरी भर्ती की तैयारी शुरू कर देता है। ये पेपर्स आप कंप्लीट पेपर्स इसमें पूरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए हम वापस पीछे जाते हैं। अब ये DAF-1, फिर रिटर्न रिजल्ट, ये रिटर्न रिजल्ट आ गया, इसको हम देख लेते हैं। रिटर्न रिजल्ट ये 10 जनवरी 2019 को रिटर्न रिजल्ट आ जाता है रोल नंबर वाइज। अब इसमें नोडल फोर्स कौन है, नोडल फोर्स इसमें SSP है, जबकि SSC कांस्टेबल GD की जो नोडल फोर्स है वो CRPF है, CAPF सब इंस्पेक्टर की नोडल फोर्स BSF है। ये सभी फोर्सेस को भर्तियां उसके अकॉर्डिंग दी गई हैं, क्योंकि इनको ये फिजिकल मेडिकल ये सब कोऑर्डिनेट करना होता है रिक्रूटिंग एजेंसी के साथ में। ये रिटर्न रिजल्ट आ गया, बाई नेम आप देख सकते हैं। अब फिर आ जाता है इंटरव्यू शेड्यूल, कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स भी यहां पर हम आपको दिखा देते हैं। कट ऑफ मार्क्स, अब कट ऑफ मार्क्स इसमें रिकमेंडेड डिटेल्स एंड कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज। यहाँ पर देखिए वैकेंसी कितना था, ये वैकेंसी एक्चुअली इंक्रीज हो गई थी, जो वैकेंसी स्टार्टिंग में एडवर्टीजमेंट आया था उसमें जो थी उसमें CISF और CRPF के अलावा जो बाकी तीन फोर्सेस हैं उनकी वैकेंसी जो एक्चुअली बढ़ गई थी। अब यहाँ पर रिकमेंडेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट वैकेंसी है ये, और यहाँ हम देखते हैं मार्क्स सिक्योर्ड बाय द लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट। देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ होती है उसमें भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता, क्योंकि अब एक कैंडिडेट को इससे कम आ रहा है और उसके भी नंबर दिखाए जा रहे हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाता है कि मुझे कम रह गया। अब यहाँ पे UR का 282 नंबर पे रहा है, किसी कैंडिडेट को UR में 281 रह गया तो वो आउट हो गया, उसमें अब उसको कोई डाउट नहीं है, उसको कोई शिकायत नहीं है कि कोई बात नहीं मुझे एक नंबर कम रह गया। लेकिन ये नंबर यदि सार्वजनिक नहीं होंगे ये दबा के बैठ जाएगा संघ लोक सेवा आयोग और सूचना के अधिकार में भी नहीं बताएगा तो क्या होगा, वो क्यों ऐसा किस लिए कि दबा के क्यों बैठ जाए कि जब भर्ती जो हो रही है उसमें सबको जानने का अधिकार है, यहाँ तक कि जो कैंडिडेट है उसको ही नहीं, उसके गार्जियन है, उसके पेरेंट्स हैं उनको जानने का अधिकार, उसके टीचर्स जो है उनको जानने का अधिकार है, जो उनको पढ़ा रहे थे उनको भी बड़ा अफसोस है कि हमने पढ़ाया, जो अच्छा पढ़ता था वो सेलेक्ट नहीं हुआ और जो नॉर्मल पढ़ता था वो सेलेक्ट हो गया। अब रिजर्व लिस्ट जो है वो 50 कैंडिडेट्स का है, 40 OBC SC और ये 100 का रिजर्व लिस्ट है। अब फाइनल रिजल्ट कब आया था, फाइनल रिजल्ट आया था 2 अगस्त 2019 को, कट ऑफ मार्क्स 9 अगस्त 2019 को। आंसर की हो गया मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, 14 अगस्त 2019 को संघ लोक सेवा आयोग ने अपना मार्क्स भी शो कर दिया कैंडिडेट्स का, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ये देख सकते हैं आप। ये देखिए टॉपर जो है वो प्रिंस कुमार हैं, प्रिंस कुमार को कितना नंबर मिला है तो प्रिंस कुमार को यहाँ पर 252 रिटर्न में मिला है और 105 इनको पर्सनल जो पर्सनालिटी टेस्ट है इंटरव्यू उसमें मिला है और 357 इनका टोटल हो गया है।
अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो यूआर कैटेगरी का जो है लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट, उसको 282 पर लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट है यूआर कैटेगरी। अब इसमें जो कैंडिडेट्स ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब यूआर का सीट जो है उस पर ये रिकमेंड हो जाते हैं यदि इन्होंने एज रिलैक्सेशन या किसी प्रकार का दूसरा रिलैक्सेशन नहीं लिया है तो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ देखिए, मकसद यही है कि पारदर्शिता क्या है ये संघ लोक सेवा आयोग से सीखा जाए। और संघ लोक सेवा आयोग भी भर्ती करता है, एसएससी भी भर्ती करती है, बीएसएफ भी अपनी भर्ती करती है, आईटीबीपी अपनी भर्ती करती है, लेकिन आईटीबीपी, बीएसएफ या दूसरी फोर्सेज हैं वो एक सिपाही की भर्ती जो है उसमें भी पूरी तरीके से पारदर्शिता नहीं बरत रही हैं। मार्क्स नहीं दिखाया जा रहा है, लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट के नंबर नहीं दिखाए जा रहे हैं, जो टॉपर है उसके नंबर नहीं दिखाए जा रहे हैं। टॉपर एक लिस्ट के अनुसार बता दिया गया कि ये टॉपर है, ये UR1 है, ये OBC1 है और ये UR282 पर है। अब इनको कितना नंबर मिला, अब जो सेलेक्ट नहीं है वो एक नंबर पर है या 20 नंबर पर है वो, और जो सेलेक्ट हो गए, वो जो सेलेक्ट हो गए उसमें से कुछ हमारे साथी ऐसे हो गए कि उनको बड़ा अहंकार हो गया, बड़े निरंकुश हो गए, वो भूल गए कि मर्यादा क्या होती है, ये भूल गए शिष्टाचार क्या होता है। बहुत सारे साथी हमसे जुड़े हुए थे बहुत समय से, वो उनके पुराने चैट देखे हमने तो बहुत शिष्टाचार और सभ्यता की बात थी, जो उनको जानना था हमने बताया उनको। लेकिन अब जब वीडियो आया हमारा एक कि इसमें पारदर्शिता की हमने बात की, नंबर जो शो नहीं दिखाए थे कैंडिडेट्स के उसमें आरटीआई लगाने की बात की गई, और आरटीआई लगाई और जैसे ही आरटीआई और ये सब प्रोसेस शुरू हुआ तो जो कैंडिडेट्स जो पहले बहुत नम्रता से शिष्टाचार से मैसेज करते थे उनका टोन बदल गया। वो कहते हैं कि बीएसएफ नंबर नहीं दिखाती किसी भी भर्ती में, क्यों नहीं दिखाती वो हम भी जानना चाहते हैं, वो देश जानना चाहता है, वो एक माँ जानना चाहती है जो सिंगल मदर है, जिसने अपने बेटे को बहुत मेहनत मजदूरी करके उसने अपने बेटे को पढ़ाया और अब वो उसका बेटा सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो वो माँ भी जानना चाहती है कि मेरे बेटे के कितने नंबर मिले और क्यों नहीं बताया। और उस माँ से हमने वादा किया है कि उसके बेटे के नंबर बताए जाएंगे, उस माँ को हम रास्ता बता देंगे कि उसका बेटा बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक में सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो उसके बेटे को नंबर कैसे पता चलेगा उसका रास्ता हम बता देंगे उनको। चलिए उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं पारदर्शिता को यहाँ पे। उसके बाद रिजर्व लिस्ट होता है। एक रिजर्व लिस्ट कब आता है, देखिए रिजर्व लिस्ट जो है वो आता है 14/8/2019 को हमारे मार्क्स बता दिए गए जो सेलेक्ट कैंडिडेट्स हैं उनके। और रिजर्व लिस्ट कब आता है, रिजर्व लिस्ट आता है 11/5/2020 को। ये संघ लोक सेवा आयोग का जो सहायक कमांडेंट की भर्ती है उसमें जो प्रावधान है ऐसा कि रिजर्व लिस्ट आती है। और वो अब वो रिजर्व लिस्ट बनती कैसे, देखिए उसका हम अलग से आपको वीडियो बना के बताएंगे। रिजर्व लिस्ट जो फाइनल रिजल्ट आया उसके कितने समय बाद में रिजर्व लिस्ट आई, उसी भर्ती की है ये। फाइनल रिजल्ट आया था 2 अगस्त 2019 को, और उसके बाद में रिजर्व लिस्ट आती है 11/5/2020 को, यानी लगभग 9 महीने के बाद। ये रिजर्व लिस्ट में कौन कैंडिडेट्स हैं, किस प्रकार से ये बनती है, जो इसमें नहीं है जाहिर सी बात है जो इसमें नहीं है वो होंगी, इसके बारे में हमें अभी पूरा कंफर्म करके अलग से इसका वीडियो बनाएंगे कि फाइनल रिजल्ट के बाद में जो रिजर्व लिस्ट है 9 महीने बाद में जो आया है वो क्या है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ नॉन रिकमेंडेड विलिंग कैंडिडेट्स। यहाँ पर नॉन रिकमेंडेड विलिंग कैंडिडेट्स, यानी विलिंग का मतलब ये है कि संघ लोक सेवा आयोग ने विलिंग मांगी कि आपके नंबर जो है, आप रिकमेंड नहीं हुए हैं, आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं, अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ है, हम आपके नंबर सार्वजनिक कर देंगे ताकि दूसरे कैंडिडेट्स को पता चल सके। अब किसी ने कहा कि नहीं मेरा नंबर नहीं दिखाना तो उनका नंबर नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन जिन्होंने विलिंग दिया उनका नंबर भी हम देख लेते हैं। ये 3 जून 2020 को आ गया। इसमें देखिए सुमित टंडा, अब इसमें पूरा एड्रेस है, सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ, ईमेल आईडी, सब कुछ कंप्लीट दिया गया है। कि पूरा सार्वजनिक किया गया है, इसको कहते हैं पारदर्शिता।
चलिए हम किसी भी एक कैंडिडेट पे यहाँ पर देखिए, शाह देवम जिगीश, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है, ये जर्नल है, मेल हैं, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए ये बीटेक हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये गुजरात के हैं, और ये अब इनको 271 रह गया, ये यूआर थे, इनको कितना नंबर कम रह गया, इनको 12 नंबर कम रह गया। सॉरी 11 नंबर कम रह गया क्योंकि 282 पे कट ऑफ रहा है। तो ये पारदर्शिता है, ये पारदर्शिता में मज़ा आता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। अब ये नंबर भी नहीं बताए जा रहे। अब एक बीएसएफ आरओआरएम का जो कैंडिडेट है उसने तो आरटीआई लगाया, उसका भी उसको जवाब नहीं दिया गया कि आरटीआई में ये नहीं कहा गया कि हम आपको नंबर नहीं बताएंगे, ये नहीं कहा जा रहा है आरटीआई में कहा जा रहा है कि बीएसएफ बीइंग अ सिक्योरिटी एजेंसी जो है सेक्शन 24(1) में बीएसएफ को छूट दी गई है। देखिए ये सब बातें जो है, ये एक हम तो चलो ठीक है, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है हमारा, कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ वाली बात है कि हम इस पे ज़्यादा हल्ला कर भी नहीं सकते और करेंगे तो कोई सुनेगा भी नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें यदि नेशनल मीडिया पर आ जाती हैं, कि पारदर्शिता क्या होती है और एक एपिसोड छोटा सा आ जाता है, तो पारदर्शिता जो है वो सारी सामने आ जाएगी। और तकलीफ जो हो रही है वो भी इसी वजह से हो रही है बहुत सारे कैंडिडेट्स को, कि ऐसा हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हम मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं, सभी मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं। ये जो जिनको 12 नंबर कम रह गया, जिनको इसमें भर्ती में एक नंबर भी कम रह गया, उसको भी पता, उसको बड़ा अफसोस होता होगा। लेकिन अफसोस नहीं, ठीक है, ये तो ज़िंदगी है, यहाँ पर हार गए तो कोई बात नहीं, अगली बार हमें जीत मिलेगी। और बहुत सारे हमारे साथी जो एक बार सेलेक्ट नहीं हुए, वो ठीक है दूसरी भर्ती में वो सेलेक्ट हो गए, ये तो हर साल होता है। तो ये तो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट तो हर साल आ जाता है, तो सेट पैटर्न है इनका। लेकिन जो सिपाही की जो भर्ती है वो विडंबना ये है कि 4 साल से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है। मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स रिजर्व लिस्ट, अब मार्क्स ऑफ कैंडिडेट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स रिजर्व लिस्ट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए 282, अब जो 282 था उसमें जो बच गए थे 3 कैंडिडेट, यहाँ पर 282 पर रिजर्व जो थे वो रिजर्व लिस्ट में रिकमेंड हुए, 282। उसके बाद 281 तो बराबर बहुत सारे कैंडिडेट्स हो। अब इसमें देखिए 281 में अब टॉपर कौन है, टॉपर वो है 281 में, इसका जो रूल है, रूल वही है बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक के एडवर्टीजमेंट में भी टाई केसेस का रेजोल्यूशन कैसे होगा वो बताया गया है वहां पे। यहां पर 281 जिनको है, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 2 जुलाई 1996। लेकिन उसमें भी ये होता है कि पार्ट ए और पार्ट बी के जो मार्क्स हैं वो सब का मैटर करता होगा, तो इनको रिटर्न पार्ट जो है उसमें ज़्यादा है, तो इसलिए ये पहले आ गए। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ क्या है, 11/9/1995। अब ये जो दो कैंडिडेट हैं इनके देखिए दोनों पार्ट में बराबर नंबर हैं, राकेश रक्षा राम मिश्रा और आशुतोष गौतम जो है इनके दोनों पार्ट्स में बराबर नंबर हैं, 191/90, 191/90। अब इनमें ऊपर कौन रहेगा, इसमें ऊपर रहेगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, तो ये सब रूल है उसका, 2/6/1996 और 1/15/8/1996। यहाँ पर भी देखिए पुष्कर द्विवेदी और विवेक विक्रम सिंह जो है ये भी, इनके भी मार्क्स बराबर हैं, टाई केस है ये, 180। अब सपोज कीजिए यदि यहीं पर अटक जाता है ये जो है, तो पुष्कर और विवेक जो है उसमें से कौन सेलेक्ट होते हैं, उनमें से सेलेक्ट होते हैं पुष्कर, क्योंकि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये बड़ एज ज़्यादा है इनकी, 20/9/1994 है, और ये है 1/1995, तो ज़्यादा एज वाले। और एज भी यदि बराबर हो जाती है तो उसका भी नियम है वहाँ पे, उसका नियम है कि जो अल्फ़ाबेटिकली जिसका नाम पहले होता है, यदि इनका एज भी यदि बराबर होता तो भी पुष्कर का ही यहाँ पर सिलेक्शन होता, क्योंकि
विवेक जो है उनका वी से शुरू होता है। तो ये सब रूल, जब रूल बना है तो उस रूल को वो लागू हो ये भी होना चाहिए, ये दिखाई देना चाहिए कि रूल बना है तो वो लागू हुआ है। रूल बना, एडवर्टीजमेंट बना, बहुत बड़ा बना, वो सब शर्तें तय हो गई और अब एक कैंडिडेट अपने मार्क्स जानने के लिए आरटीआई लगाता है तो उसको हवाला दे दिया जाता है सेक्शन 24(1) आरटीआई एक्ट के तहत सूचना नहीं दी जा सकती। हम ये नहीं कहते कि सूचना नहीं देंगे, हम ये नहीं कहते कि हम नंबर नहीं बताएंगे, हम सिर्फ एक क्लोज लगाते हैं सेक्शन 24(1) आरटीआई एक्ट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपील की जाएगी, अपील में भी नंबर नहीं बताया जाएगा। अब उसके बाद एक कैंडिडेट क्या करेगा, उसके बाद कैंडिडेट जाएगा केंद्रीय सूचना आयोग में अपील कर देगा, वहाँ पर लगभग 2 साल लग जाएगा, तब तक क्या होगा कि भर्ती जो है दूसरी आ जाएगी और कैंडिडेट कहीं ना कहीं हो सकता है जो हवलदार सेलेक्ट नहीं हुआ है वो CAPF सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो जाए, वो सहायक कमांडेंट सेलेक्ट हो जाए, वो टीचर हो जाए, पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो उसको छोड़ दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा काम जो है वो है मीडिया, वो चाहे सोशल मीडिया है या चाहे नेशनल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, मैं अपना काम बखूबी करता हूँ। मैं और मेरी टीम जो है हमारा काम यही है। हमारे पास मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन जो पारदर्शिता की बात है, देखिए उसके लिए हम तो बोलेंगे कि पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए और उसी के लिए ये संघ लोक सेवा आयोग का जो सहायक कमांडेंट भर्ती का हमने एडवर्टीजमेंट लिया, हम यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग का जो IAS IPS भर्ती का एडवर्टीजमेंट है वो भी ले सकते थे, लेकिन उसमें फिर हमें कहा जाता कि आप ये फोर्सेस से जुड़ी हुई भर्ती है, तो फोर्सेस से जुड़ी हुई भर्ती CAPF सहायक कमांडेंट भी कंपनी में रहता है, वहाँ कंपनी को कमांड करता है, और जो ट्रेडमैन है वो कंपनी का खाना बनाता है, और जो रेडियो ऑपरेटर है वो कंपनी का कम्युनिकेशन है वो दूसरे कंपनीज और हेडक्वार्टर के साथ में करता है। तो ये पारदर्शिता बरतने में ही इतना अंतर क्यों है, क्यों? ये इसलिए है कि जो ऑफिसर है उसको सहूलियत दी जाएगी, जो ऑफिसर भर्ती हो रहे हैं उनको सहूलियत दी जाएगी कि उनको सब कुछ बताया जाएगा, और जो सिपाही या हवलदार भर्ती हो रहा है उसको नहीं बताया जाएगा। तो ये सब वीडियोस हम देखिए बिल्कुल आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपने अपनी कोई लड़ाई शुरू की है तो आपको पीछे नहीं हटना है, और आप सेलेक्ट हो गए हैं तो हम बिल्कुल आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं आपका कि आप हमारे चैनल से जुड़े, हमें सपोर्ट करते हैं। जय हिंद।